क्या प्रथमेश? सवेरे मम्मी उठाती है और ज्यादा नींद आती है। आज उठ लिया था सवेरे खुद से? कितने लोगों को मम्मी ने उठाया? मम्मी पापा जी हर्षल और दिशा स्नेहल, क्या बात है? बाकी लोग सिंसियर है, इसमें से तुम लोग मत सोचो बाकी लोग झूठी बोल रहे हैं। वो तीन लोग ईमानदार है। तो हर्षल कितनी बार उठाए होंगे? दो बार या तीन बार? तीन बार उठ रहे बहुत सिंसियर है। ऐसा तो नहीं चप्पल खोल के आते हर्षल। चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहां तक पढ़े थे हम लोगों ने? डिस्कस किया था v अपॉन म्यू नॉट माइनस i दैट इज इक्वल टू पाथा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगर हम लोग एक मैग्नेटिक मटेरियल है और इसमें हमने अप्लाई किया है मैग्नेटिक इंटेंसिटी h, तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? v चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? बिकॉज इसमें मैग्नेटाइज होगा। i को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, है ना? तो ये मैग्नेटाइज होगा और इसको हमने कैसे लिखा था बच्चों? b by mu not is equal to, इसको इधर लेके आ गए थे h plus, और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू h, याद है ना? सो b is equal to आया था mu not 1 plus, इसको क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी टाई इनटू x, वन प्लस काई, वन प्लस काई दैट इज कॉल्ड म्यू, है ना? और काई के बारे में बताया था बच्चों, ये होता है क्या होता है? स्मॉल एंड पॉजिटिव किसके लिए? लार्ज एंड पॉजिटिव फेरो, सबको याद हो गया ना? और स्मॉल एंड निगेटिव किसके लिए? कौन सा प्रॉपर्टी सारे मटेरियल में है? डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म हर मटेरियल में, लेकिन फेरो में, फेरो और डायदोनर, फेरो डोमिनेट करता है तो ओवरऑल क्या दिखता है? फेरो दिखता है। सिमिलरली पैरा, तो ये सब कहानी हो गया। ठीक, आगे क्या बताया था? क्या बचा हुआ? Dependence of time on temperature. We have complete कर लेंगे। Dependence of time on temperature. एक्चुअली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम में रैंडमनेस बढ़ेगा, और जब रैंडमनेस बढ़ेगा तो उसको अलाइन करना मुश्किल होगा या आसान होगा? बस ज्यादा एनर्जी है ना, बहुत ज्यादा अलाइन करना, सो अलाइनमेंट थोड़ा टफ होगा, मुश्किल होगा। दैट मीन्स टाइम विल डिक्रीज, मैग्नेटाइजेशन कम होगा। इज इट क्लियर? सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर टाइम विल डिक्रीज, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो काई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ। मैडम क्यूरी का नाम सुनो? यस, उनके बारे में जानते हो कुछ? अच्छे से रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च किया और कुछ? वो पॉकेट में रेडियम लेके घूमती थी। कोई बता रहा है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला है ना, बहुत बड़ी चीज है ना। तो ये बच्चों क्यूरीज लॉ लिख लो।
and this is for paramagnetic. सुगम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों तो मैंने लिख दिया है टेम्परेचर इज इंक्रीज देन अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल जो एटम फॉर्म में दैट इज टफ सो काई विल डिक्रीज है ना ताकि वो सारा इंफॉर्मेशन इसी में है. सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन काई वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ होगा बच्चों स्ट्रेट लाइन या कर्व होगा क्यों ऐसा कोई ग्राफ बन अच्छा पी पी बी इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट मींस पी इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय बी इसका ग्राफ पढ़े हो कैसा होता है इस टाइप से पी बी इज इक्वल टू कांस्टेंट इसको क्या बोलते हैं किस टाइप का ग्राफ है कुछ नाम बताया था हमने हम मैंने भी पढ़ा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम पढ़ाया था जब तुम बहुत बचपन में छोटे थे एक साल पहले की बात तो ऐसा ग्राफ होता है ना रेक्टेंगुलर डिक्रीज करेगा है ना टेम्परेचर बढ़ाएगा काई डिक्रीज होगा सो दिस विल बी द ग्राफ और ये लिखना दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक तो ऐसे भी है पैरामैग्नेटिक लिए जो है फेरोमैग्नेटिक लिए क्या होगा फेरोमैग्नेटिक में थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बताया था बच्चों कि वो सिंपल सा नहीं होता उसमें क्या होता पूरा डोमेन अलाइनमेंट होता है या डोमेन दूसरा डोमेन ग्रो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है तो उसका दो रीजन बताया था दो मैग्नेटिज्म बताया था एक डोमेन ग्रोथ बताया था रुद्रा याद है प्रोपोर्शनल टू सम सी डैश अपॉन टी माइनस टी सी और टीसी क्या है टीसी इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर different for different materials Curie's temperature और TC यहाँ पे देखो ये बच्चों ये का ही थोड़ा सा छूट गया है हालांकि थोड़ा सा आगे है मेरा ऐसा है ना कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हैं लैम्डा लैम्डा नहीं है एक्स जैसा और एक्स में थोड़ा सा इसके
So C dash upon T minus Tc. Tc को बोलते हैं बच्चों Curie temperature. This is valid for T greater than Tc. Tc क्या होता है? उस body का Curie temperature experimental fact different material so अगर Curie temperature जब ऊपर जाएगा ना तो inversely proportional फंडा आ गया है ना, मतलब पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करने लगेगा. So ferromagnetic material starts behaving like paramagnetic when temperature is more than Tc. लिख लो यहाँ पे ferromagnetic material starts behaving like paramagnetic above Curie's temperature. अरे नासिक में वो तो आना चाहिए, देख के तो कहा है डिपेंडेंस ऑफ टाइम ऑन टेम्परेचर. ये कंप्लीट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं. और कोई मैग्नेटिक मटेरियल है ठीक है, ऐसा कंसेप्ट शायद इलास्टिसिटी में पढ़ाया था तुम्हें याद है कि मुझे नहीं पता. और क्या पढ़ाया था बच्चों हम लोगों ने, और कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन तो क्या होता है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इलॉन्गेशन बढ़ता है ना, ऐसे बढ़ रहा है. लेकिन हुक्स लॉ वैलिड रहता था वायर के लिए, सबके लिए स्ट्रेट लाइन होता है, बट एक लिमिट के बाद वो भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल नहीं रहता, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहता. रबर के लिए तो अलग ही होता है. जब रबर से ड्रॉ करते हो सपोज ऐसे हो रहा है ना, स्पेस बढ़ रहा है, स्पिन बढ़ रहा है, ओके. और जब हम वापस लाते हैं रबर में तो इसी लाइन पर नहीं आता वापस, वो तो दूसरे लाइन पर वापस आता है. इफ यू इलॉन्गेट द रबर ठीक है ना, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा हुआ, इट गोज लाइक ऑन दिस ग्राफ. व्हेन वी रीलोड मतलब अनलोड करेंगे उसका स्ट्रेस कम करते जाएंगे ये वापस वो दूसरे ग्राफ. और अगर ये यही क्या गया मतलब कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं रहा, नेचुरल लेंथ को परफेक्टली गेन कर लिया. क्लियर, अब समझना इसको हेल्प ले रहे हैं वहां से रिलेट होगा. स्ट्रेस मतलब रिलेटेड टू फोर्स और स्ट्रेन इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट ना. तो जब मैं इसको इलोंगेट कर रहा हूँ बच्चों, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ और मेरा वर्क स्टोर हो रहा होगा माइंड उसमें. जब मैं वर्क कर रहा हूँ एनर्जी उसको दे रहा हूँ, जैसे गुलेल को ऐसे पुल कर दो, पुल किया और फिर छोड़ देते हैं, जब छोड़ देते हैं तो रबर उसमें वर्क करते हैं. तो वाइल इलोंगेटिंग हमने इसको इतना वर्क किया उसमें है ना, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ उतना वर्क किया, और जब वो वापस आया तो वो कितना वर्क किया है, वो तो इतना किया ना, उसने क्या किया, कम वर्क किया. दैट मीन्स ये जो अंदर का एरिया है इतना एनर्जी क्या हो गया है, लॉस हो गया. समझ पा रहा है, तो इसी को हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं. हिस्टेरेसिस मतलब जब हम इलॉन्गेट करें तो एक पाथ पे जाओ, जब वापस ला रहे हैं तो दूसरे पाथ पे आया और वो एक लूप बना दिया. तो एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस लूप बताएगा बच्चों कितना एनर्जी का लॉस. इट क्लियर, मैंने शायद ऐसे कहा था कि दो टाइप का रबर है, वहां पे बताया था दो टाइप का रबर है, एक रबर में एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस लूप कम है और एक में ज्यादा है.
और तुम्हें मटेरियल बनाना है, बुलेट बनाना है ना, तो कौन से रबर को यूज करोगे? जिसके एरिया अंडर द कर्व कम हो, क्योंकि वो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर दे, लॉस कम करा। और एक बताया था मैंने बच्चों की, एक शॉक एब्जॉर्बर पे ये यूज करते थे, जैसे कह रहे कि तुम अपने घर में देखो तो मिक्सी घर में, सबके घर में होगा मिक्सी का, अगर थोड़ा सा पलट के देखो उसके बेस में क्या लगा रहता है, रबर का रहता है प्लेट, या बड़े मशीन जो रहते हैं जो अगर चलते हैं तो वाइब्रेट करते हैं तो उसके नीचे रबर का प्लेट लगा देते हैं। रबर का प्लेट क्या करता है कि जब मशीन वाइब्रेट करे तो वो कंप्रेस होगा, मशीन का एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, और जब वो वापस अपने लेंथ में आएगा तो वो उतना एनर्जी रिलीज कम एनर्जी करेगा, मतलब उसने कुछ एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब किया, उसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। तो शॉक एब्जॉर्बर का अगर बनाना है रबर का, तो वो मटेरियल यूज करेंगे जिसका एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस लूप, समझ में आया? ठीक है ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा, थोड़ा सा उससे डिफरेंट बट यहाँ भी होगा। वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसको मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है कि ये जा रहा है सपोज यहाँ से कहीं तक, मतलब हाई इंटेंसिटी तक ले गए, बहुत लार्ज किया तो मैग्नेटाइज होगा, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कम करते हैं, जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम करते हैं तो वो इसी पाथ पे नहीं वापस आता है। शुरू में देखो ये कोई भी मैग्नेटाइजर नहीं था, जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटाइज हो रहा इतना हो गया। व्हेन वी ब्रिंग दिस, दिस कम्स फ्रॉम डिफरेंट पाथ, ऐसे है। तो जब हम इंटेंसिटी को कम करते गए क्या कर दिए, जीरो। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया बच्चों, तो भी मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ क्या, हालांकि हम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते बहुत छोटा अप्लाई करते हैं, एक मैग्नेट लाओ थोड़ा बड़ा और एक आयरन का ब्लॉक लो, उसको मैग्नेट आयरन ब्लॉक को मैग्नेट के पास ले जाओ, ठीक है, और फिर उसको हटा दो, और फिर वही आयरन का ब्लॉक को किसी दूसरे आयरन ब्लॉक के पास ले जाओ तो वो थोड़ा चिपकता है, ये तुम देखोगे थोड़ा चिपकेगा, जबकि पहले नहीं हो रहा था। तो क्या किया था, इस मैग्नेट्स ने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, उसमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ला दिया, इसलिए जब आयरन का ब्लॉक हटाया तो वो छोटा सा मैग्नेट इसका बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा दिए फिर भी मैग्नेटाइज, ये क्लियर? लेकिन अब कहना कि मुझे क्या करना है, इसका मैग्नेटाइजेशन को जीरो करना है, तो मैग्नेटाइज है डायरेक्शन उसके मैग्नेटाइजेशन को, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, कर रहे हैं जीरो करने के लिए इतना अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया कंप्लीटली, क्लियर? मैग्नेटाइजेशन जीरो, बट किसी को मन किया थोड़ा सा और करते हैं, एच और बढ़ा दिया, एच और इधर बढ़ा दिया, तो फिर उल्टा मैग्नेटाइज हो, फिर उसके बाद वापस लाते हैं तो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा ग्राफ, फिर वापस लाया, फिर मैग्नेटाइजेशन कम करते गए, फिर जीरो लाया तो इधर डाल दिया, क्लियर? इधर जीरो करा तो आगे करना पड़ेगा, इतना लाना पड़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन खत्म होगा, फिर और आगे ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा, तो ऐसा कुछ लूप होगा, इज इट क्लियर? तो अनमैग्नेटाइज से नॉर्मल ये से हम मैग्नेटाइज किए, मैग्नेटाइज हो रहा है इस पाथ पे गया, व्हेन वी रिटर्न बैक डीमैग्नेटाइज करेंगे, जब ये जीरो हो गया है एक्सटर्नल फील्ड, तब ये जीरो नहीं होगा, तो मेक इट जीरो, हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जीरो होगा, अगर और इधर गए तो आगे बढ़ेगा और फिर वापस लाएंगे तो इस पार्ट पे आएगा, ठीक है। ये जो फॉर्म बना दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप, ये जो ग्राफ बना दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप, तो ये मैग्नेटिज्म हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी शो करता है, सिंग लाइन पे वापस नहीं आता, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं कि अगर कोई मैग्नेट है बच्चों, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो जब स्ट्रेसेस लूप बन रहा है, दैट मींस मैग्नेटाइज करते समय उसको हम कुछ एनर्जी दिए, डीमैग्नेटाइज करते समय वो एनर्जी वापस देगा, बट वो वापस एनर्जी पूरा नहीं देगा, थोड़ा कम देगा, मतलब कुछ मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया है, कुछ एनर्जी क्या हो गया है, अब मैकेनिकल नहीं, कुछ एनर्जी क्या हो गया है,
एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना। ग्रेटर द एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप मोर एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। इज इट क्लियर? लिख लो ग्राफ अच्छे से। कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। यहाँ पे कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। ये जो पॉइंट है, जब हम डीमैग्नेटाइज किया और यहाँ पे इतना मैग्नेटाइजेशन रह गया है, तो दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। अब नाम से ही पता है मतलब कितना रिटेन किया है ना, दिस इज कॉल्ड रिटेन। और उस रिटेंशन को नलिफाई करना, उसको खत्म करना है, तो हमें अपोजिट एक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस इज फॉर कोएर्सिविटी। ये दोनों टर्म ध्यान में रखना, रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी। बच्चों हमें जो मटेरियल है जिससे जिससे हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं और वहां पे मैग्नेट को ले आऊं। हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेट को वहां पर रख लिया, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर धीरे धीरे खत्म, जीरो भी कर दिया तो इतना रह जाएगा, इसमें इतना मैग्नेटिक मोमेंट रह जाएगा, उसको हटा लिया तो परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए जिसका रिटेंटिविटी हाई हो या लो? पक्का ना। अच्छा, हम कोएर्सिविटी की बात करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम कैसा मटेरियल यूज करें जिसकी कोएर्सिविटी हाई हो या लो? सोच के बताओ। कोएर्सिविटी भी हाई होना चाहिए, समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोर्सिविटी तो बहुत लार्ज हो, बट कोर्सिविटी बहुत छोटा है, कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर अप्लाई किया तो परमानेंट मैग्नेट खत्म हो जाएगा, तो अच्छी चीज है क्या? नहीं ना। तो दूसरा आपको ही डाक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया तो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली वो खत्म हो जाएगा, तो दिस इज नॉट गुड। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, तुम कुछ सीख रहे हो, तो मैंने पढ़ाया इतना बैठ करके पढ़े और उसमें से हमने 100% पढ़ाया, लेकिन तुम समझते कितने तुम लोग, 15% 10% ज्यादा जो भी, तो ये रिटेंटिविटी हुआ कितना, समझे आज? क्लियर? जितना मैंने पढ़ाया उसमें से कुछ समझा, मतलब सपोज 50% समझ गया, मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ, 50% तूने समझ लिया, तो ये हो गया रिटेंटिविटी। और 3 दिन बाद वो जीरो पे आ जाए, समझ में आया? तो अच्छी चीज है क्या, 3 दिन बाद ही भूल गए? 3 दिन क्या, 2 दिन बाद ही भूल जाते, तो अच्छी चीज है। तुम क्या चाहते हो कि रिटेंटिविटी हाई हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोएर्सिविटी हाई हो ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज़ कम से कम तो 2 साल चाहिए ना, नीट क्वालिफाई करना है कि नहीं करना है, तो क्या चाहिए, कोएर्सिविटी शुड बी, मतलब याद ज्यादा दिन तक रहिए चाहोगे कि नहीं, तो अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो बताओ उसकी कोएर्सिविटी क्या होनी चाहिए। इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, रिटेंटिविटी या कोएर्सिविटी? लिख लो, तुम्हें परमानेंट मैग्नेट material should have high retentivity and high coercivity. In fact, high coercivity is more important. To make permanent magnet, material should have
material should have, some magnetic material should have high retentivity and high coercivity. High coercivity is in fact more. Next, we go. Eddy under the hysteresis loop gives idea about loss of energy in magnetization and demagnetization process. Eddy under the hysteresis loop gives idea about. Eddy under the hysteresis loop gives idea about. Loss in energy in magnetization and demagnetization process. So the absorption of energy loss is absorption energy. Energy absorbed kar liya, so energy loss. तो बच्चों ये जो मैग्नेट्स है ना, बहुत जगह पे मैग्नेट्स यूज करते हैं. जैसे अगर हम कहें मैग्नेट्स, एक तो परमानेंट मैग्नेट्स होता है, एक बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसा होता है, करंट से हम मैग्नेट्स प्रोड्यूस करते हैं ना. सोलेनोइड है, ट्रांसफॉर्मर है, ये सारी चीजों में हम क्या करते हैं, मैग्नेट्स ये मटेरियल यूज करते हैं. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो या सोलेनोइड हो, इन सारी चीजों में हम उसके कोर में मैग्नेट्स रखना जरूरी होता है. जैसे मैं कहा था कि सोलेनोइड अगर रख रहे हो तो ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है कितना होता है, म्यू नॉट एन आई. लेकिन अगर यहाँ पे आयरन कोर पुट कर दिए जिसका म्यू बहुत लार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू. ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर हम लोग पढ़ाएंगे बाद में, जब एसी करंट पढ़ाएंगे तो उसमें भी मैग्नेट्स होते हैं, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें भी. मैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मर के कोर में आयरन कोर रखते हैं, आयरन का ये. अब बताओ अगर करंट इधर जा रहा है, एसी करंट अगर है, आगे मैं पढ़ाऊंगा एसी करंट. अभी तो आवाज नहीं जा रही, अभी आवाज जा रही है. लिख लो, इन ट्रांसफॉर्मर in transformers, electromagnets, solenoid, etc, we use material whose area under hysteresis loop should be small so that minimum energy loss is there. बच्चों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जहां पे हमें एनर्जी लॉस कराना है, जहां पे हमें एनर्जी लॉस कराना हो, तो वैसे केस में हम वो मटेरियल यूज करेंगे जहां पे एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस
लार्ज है, जैसे लाइक एक होता है मैग्नेटिक ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक, ब्रेक लगाना मतलब इनर्जी का क्या करना, लॉस करना, इस टाइप के मटेरियल को यूज। तो बच्चों ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फिनिश। कुछ सवाल करेंगे, कुछ उसमें से देखेंगे, कुछ और थोड़ी पढ़ाना है क्या? सवाल एक बार हाथ उठाओ, एक दो, बहुत कम बच्चे हैं यार, इधर तो सब मिला रहे थे, एक बच्चा सिंसियर बच्चा, इसको भी डांट पड़ेगी, बाकी बच्चे बोले तुमने क्या उसको हाथ उठाया। कैसे आ गए तुम लोग, तुम्हारा क्या था पूरा? तो देखते हैं बच्चों सॉल्व होता है कैसे, पूरी खराब हो रहा है क्या, कौन से सेक्शन नहीं हुए हैं। सिर्फ जे और के दो ही बचा हुआ है ना, तो देखते हैं आगे कंप्लीट करते हैं। जे सेक्शन में देखो, पहला सवाल देखो कितना कठिन सवाल है, पहला सवाल देखो तो पहले स्मॉल मैग्नेटिकल प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ माइंड डायसन का मतलब आई क्या रहा है, ये भी बताता हूँ। आई को दो नाम से बोलते हैं, ऑन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक। और बी को बोलते हैं क्या, बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, मैग्नेटिक एच को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है वो मटेरियल डिपेंडेंट होता है क्या, एच मटेरियल डिपेंडेंट नहीं होता, जो एक्सटर्नल है वो है, मटेरियल अलग अलग होगा तो बी अलग हो जाए। चलो तो पहला सवाल है, बहुत ही टफ सवाल है बच्चों, कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एच होता है, तो दूसरा सवाल,
How does the magnetic susceptibility of paramagnetism change with temperature T? अच्छा वहाँ पर से लिखा है ना बच्चों T जो है वो temperature किसपे है degree celsius या kelvin? Kelvin तो लिख लेंगे मैंने लिखा नहीं. H is proportional sorry. T is proportional to C by T लिखा था तो ये T लिख लेना बच्चों T must be kelvin. लिख लेना जरूर नोटबुक में लिख लो बताओगे सर ने लिखा है ही मस्ट बी जो बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन हैं उनको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन शेयर